दोस्त, तुम हर वर्ष लाखों लड़के लड़कियां इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरते हैं, मगर उनमें से कुछ ही लोग आर्मी में सिलेक्ट होते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको आपके पढ़ाई के अलावा फिटनेस और आत्मविश्वास की भी बहुत जरूरत है। इस साल से सेना भर्ती नियमों में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पहली बार सेना भर्ती नियमों में इतना बड़ा फेर बदल कर रही है। आइए हम आपको बताते हैं ये 4 नए बदलाव कौन कौन से होंगे। सेना भर्ती नियमों में पहला बड़ा बदलाव जो करने जा रही है वह शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा है। इसके अनुसार अब सेना में क्लर्क की नौकरी के लिए में कम से कम कुल 60% अंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले 12वीं में 50% अंक प्राप्त करने वाले युवा भी सेना में क्लर्क के पदों का आवेदन कर सकते थे, मगर अब ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन में पास युवा ही आवेदन कर सकेंगे सेना भर्ती में। दूसरा बदलाव यह है कि पहले हर विषय में कम से कम 40 अंक होना अनिवार्य था, लेकिन अब क्योंकि अभ्यर्थी का कुल 60% अंक होना अनिवार्य है, ऐसे अब हर विषय में अभ्यर्थी के कम से कम 50 अंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। सेना भर्ती में तीसरा बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी। इससे पहले अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा ऑफलाइन ली जाती थी। लिखित परीक्षा शारीरिक और मेडिकल परीक्षा के बाद ली जाती थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों को शारीरिक व मेडिकल परीक्षा से पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। सेना भर्ती में चौथा और आखिरी बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब भर्ती रजिस्ट्रेशन के दौरान अभ्यर्थी के आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा। इससे कोई भी अभ्यर्थी एक भर्ती रैली में 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा और इससे भर्ती में फर्जीवाड़े व दलालों की संभावना 0 हो सकेगी। दोस्तों, जो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको हमेशा ऐसे ही हमारे